हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल खानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको बताने चल रहा हूं कि आप जो है मैंगो पिकल कैसे बनाएंगे, अर्थात कच्चे आम का अचार कैसे बनाएंगे। दोस्तों, इस समय खूब बाज़ार में कच्चे आम आ रहे हैं, अच्छी किस्म के आम आ रहे हैं, और अगर आपको अचार पसंद करते हैं, अचार रखना चाहते हैं, तो इस समय आप अचार बना लीजिए और उसे रख लीजिए। कल दोस्तों मैं भी 10 किलो आम खरीद करके लाया हूँ, और आम खरीद करके लाने के बाद फिर मैंने शाम को ये किया कि आम को जो है इस तरह से पहले तो मैंने आम को धुला, और धुलने के बाद आम का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जहाँ से आम जो है टहनी से जुड़ा रहता है, वहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसको काट दिया। काटने के बाद अब उसको फिर उसके बाद मैंने आम की इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अचार बनाना है। दोस्तों, मैं अचार हर साल बनाता हूँ, और मेरा ये साल दो साल अचार रखा रहता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब आपको ज़रूरत हो खाने की, आप इसे दाल के साथ खा सकते हैं, पूड़ियों के साथ खा सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यही है कि आम को लाना है, और लाने के बाद आप उसे धुल करके थोड़ी देर उसका पानी जो है निकल जाने दीजिए। जब पानी उसका निकल जाए तो उसके बाद फिर आम को काटेंगे। आप आम को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। मैंने कल ही आम को जो है ऐसे टुकड़े यहाँ पर काटे हैं, और काटने के बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है इन सारे टुकड़ों को जो है किसी बड़े टब में पानी रखिए, और उसमें आप इन्हें डालिए, और डालने के बाद आप इन्हें धुल दीजिए। हाँ, तो दोस्तों अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने इस आम को जो है बढ़िया सा धुल लिया है, ताकि जो है इसके अंदर जो आम काटने का जो 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 आम कटनी होती है उसमें जो जंग लगे होते हैं उससे ये काला पड़ जाता है, तो इसको तुरंत धुल देना चाहिए ताकि वो काला ना पड़ने पाए। और उसके बाद फिर मैंने ये जो है एक टोकरी ले रखा है, और जालीदार टोकरी है, मैंने इसमें डाल दिया है, और कम से कम इसे आधे घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर का जो पानी है बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा डिब्बा लेंगे, और उसमें जो है हल्दी और नमक, हल्दी और नमक जो है बिल्कुल इस आम में मिला करके, ठीक है, आम को डाल करके हल्दी और नमक डाल के बिल्कुल डिब्बे को ऊपर नीचे करके जो है ऐसा झकझोर देंगे कि सारे आम में जो है हल्दी और नमक लग जाएगा। उसके बाद एक रात के लिए उसे ऐसे यूं ही छोड़ देंगे जो है, ठीक है। फिर क्या करना है कि अगले दिन सुबह जो है आप उसे निकालेंगे, देखेंगे उसमें बहुत सारा पानी आ गया है, पानी को आप अलग कर देंगे, और आम को जो है बिल्कुल इस तरह से जो है आप कपड़े पर डाल देंगे सूखने के लिए, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा दोस्तों, तो फिर आपका जो है ये अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर बहुत तेज़ धूप है तो बहुत ज़्यादा नहीं सुखा देना है, ताकि आपका जो आम है वो कड़ा ना होने पाए। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दो घंटे तक ही सुखाना है, ताकि इसके अंदर का हल्का जो पानी है, पानी आपका जो है निकल जाए, और उसके बाद फिर आप जो है शाम को सारे इन्ग्रीडियंट तैयार कीजिए दूसरे टाइम पर, और शाम को जो है आप अचार अपना जो है बना सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा जो आम है बिल्कुल रेडी हो चुका है अचार बनाने के लिए। अब मैं चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसका अचार कैसे बनाएंगे, और कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें हम डालने वाले हैं, कौन कौन सी इन्ग्रीडियंट इसमें पड़ने वाले हैं, कौन कौन से मसाले इसमें डालेंगे, और कितना क्या क्या चीज़ हम डालने वाले हैं, वो सारी बातें आपको जो है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हाँ, तो दोस्तों ये हमारा जो है आम अब ये अचार बनाने के लिए तैयार है। जो मेथड मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है इसको तैयार करेंगे सुखाने के बाद, ये जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले पड़ेंगे और किस प्रकार से इस अचार को बनाएंगे। तो दोस्तों मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, आम का जो टिकाऊ अचार होता है वो साल भर आराम से आप इसको खा सकते हैं बड़े अच्छे से। इसमें कुछ ऐसे मसाले हैं जो आपको डालना है, और उन्हें जो है साथ में जो आपका मस्टर्ड ऑयल है वो भी इसके साथ जो है लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा जो है सरसों मस्टर्ड है, जिसे येलो मस्टर्ड कहेंगे। ये हमने हाफ के जी ले रखा है, क्योंकि हमने जो है 10 किलो आम ले लिया था, तो उसमें हमने हाफ के जी जो है ये आपका येलो मस्टर्ड दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद फिर ये हमारा है सौंफ, ये सौंफ है, ये हमने इसको इसकी मात्रा लिया है 100 ग्राम, ये 100 ग्राम सौंफ आपको दिख रहा है। और साथ में ये है अजवाइन, अजवाइन है, ये हमारा है जो है ये भी हमारा 100 ग्राम अजवाइन है। और साथ में ये आपका जो है कलौंजी दिख रहा है, ये कलौंजी है जिसे मगरैल कहते हैं, ये है 50 ग्राम की मात्रा इसकी। और साथ में और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है कोरिएंडर सीड जिसे आप धनिया कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर जो है इसको हाफ के जी ले रखा है, ये हाफ के जी हमारा कोरिएंडर सीड है। और साथ में ये आप देख रहे हैं क्यूमिन जिसे कहते हैं जीरा, जो अचार को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है, ये भी हमने 100 ग्राम ले रखा है, 100 ग्राम हमारा ये क्यूमिन है। और
उसके साथ ये हमारा है मेथी, आप मेथी देख रहे हैं, मेथी का सीड है ये जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है मेथी, तो इस अचार में हम ये मेथी भी डालने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमने 2 डिब्बी ले रखा है हींग का, ये है हींग, इसको हम इसमें डालेंगे इस अचार में। और अपने स्वाद के अनुसार ये हमने जो है लाल मिर्च पाउडर भी ले रखे हैं, इस लाल मिर्च पाउडर को डालेंगे। तो दोस्तों मैं उसके बाद फिर आपका जो है जो साल्ट है, नमक, ये नमक इसमें डालेगा और मस्टर्ड ऑयल, यानी इतनी चीज़ें जो है इस अचार में पड़ने वाली हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अचार है इसको बनाने के लिए पहले ये जो मसाले हैं इन सभी मसालों को हम हल्का सा जो है भूनने चल रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे, भूनने के बाद फिर इसे हम दरदरा जो है पीस लेंगे। और ये सारे मसाले जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद फिर हम अचार आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पहले मैं इन सारे मसालों को भूनूंगा, भूनने के बाद इन्हें दरदरा पीस करके फिर आपको जो है दिखाता हूँ। इन मसालों को दोस्तों इतना भूनना है कि इसमें चिटचिट की आवाज आने लगे, धीमी आंच पर, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। देखिए भूनते ही इतना बढ़िया सुगंध आना शुरू हो गई है कि मन खुश हो जाता है। बस हल्का सा चिटकने लगे फिर उसको उतार लेना है। सारे मसालों को इस तरह से करके धीरे धीरे करके जो है भूनना है हल्का सा जो है, ताकि चिटकने लगे और इसमें जो है सुगंध आने लगे, तब आप इसको उतार लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए ये मेरा मसाला बंद करके बिल्कुल तैयार है। जैसा मैंने कहा था कि इसको दरबरा पीसिएगा, तो मैंने ये मसाले को दरबरा पीस लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हमने कलौंजी डाल दिया है और ये कलौंजी मिक्स कर लेते हैं। साथ में जो है आपको बताना चाहूँगा कि ये इसमें जो मैंने आपसे हींग कहा था, हींग को भी डाल देते हैं। हींग डाल देंगे और इसे जो है मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 डिब्बी जो है इसका हींग का लिया है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। और इसके साथ ही दोस्तों ये जो है चिल्ली पाउडर है, ये अभी नहीं मैंने मिलाया है, तो ये हम यहाँ पर चिल्ली पाउडर को अपने हिसाब से, आप कितना तीखा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर चिल्ली पाउडर को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अचार आपका थोड़ा तीखा रहेगा तब आपको खाने में अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर चिल्ली पाउडर मिक्स कर दिया हूँ। और साथ में ये आपका साल्ट है जो मैंने लिया था, टाटा साल्ट, तो मैं इसको भी मिक्स कर ले रहा हूँ उसके साथ में। अब मैं इसको पूरी अच्छे तरीके से जो है इसको पहले मिक्स करूँगा, मिला लूँगा जो है। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए ये मैं लाया हूँ विनेगर, ये है सिरका, शुगर केन विनेगर। आप इसे अचार में डालेंगे तो अचार का जो स्वाद है वो तो बढ़ ही जाता है, साथ में ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है और आपका जो अचार है वो ख़राब नहीं होता है। तो अचार बनाने के बाद मैं इसको ऊपर से डालने वाला हूँ, इसको ऊपर से डालूँगा। आप चाहे तो इसकी जगह पर आप सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर जो है साइट्रिक एसिड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिरका बहुत ही स्वाद देता है अचार में। और दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आम काटते समय दोस्तों ये जो आम के बीज का जो निकलता है पोषण, इसको भी मैंने यहाँ पर धुल करके बढ़िया सुखा लिया है। इसको भी मैं इसमें ही मसाले तेल मिक्स करूँगा और इसको अलग से रखूँगा। और ये जब अच्छा सा अचार इसका बन जाएगा तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये भी ईटेबल होता है, इसे फेंकने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। इसका भी अचार बनता है, मैं इसका भी अचार बनाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने देखिए यहाँ पर मैंने ये मस्टर्ड ऑयल ले रखा है। ये ऑयल मैं मसाले में भी मिलाऊंगा और मैं अपने आम को इसी में डुबा करके, इसमें डाल करके जो है फिर उसके बाद इन मसालों को मिक्स करूंगा। तो आप देख लीजिए, पहले मैं मसालों को तैयार कर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे ताकि ये जो मसाला है ये थोड़ा सा गीला हो जाए और इसमें ऑयल भी जो है सोखना शुरू कर दे। तो मैं इसमें जो है 3-4 चम्मच जो है डालने वाला हूँ ये आपका मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद फिर इसको मैं मिक्स कर दूँगा ताकि मसाला थोड़ा सा जो है नम हो जाए। बहुत तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना आपको ऑयल इसमें डालना है कि जो है मसाला आपका थोड़ा गीला हो जाए। बाकी तो आम में जो है ऑयल लगेगा ही और उसमें मसाले जो है चिपक जाएंगे। बस मैं इसमें इतना ही मसाला ऐड करूँगा, इतना ही ऑयल, इसमें तेल जो आपका मस्टर्ड ऑयल है इतना ही डालना है, बस इतने में ये हो जाएगा। दोस्तों आपको ये सामग्री ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया कि मैं 10 किलो आम लेकर आया हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा बनाया हूँ। अब मैं इस मसाले को जो है इस तेल के साथ मिक्स कर दूँगा।
हाँ तो दोस्तों देखिए ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल मिला दिया है और ये रेडी हो गया है। अब मैंने जो आम का टुकड़ा था जो है उसको मैं तेल में डुबा करके, थोड़ा ज़्यादा नहीं बस सिर्फ आधा लीटर तेल लिया हूँ, उसमें डुबा डुबा करके एक दूसरे टब में रखूँगा और उसमें ये मसाला डाल करके उसमें मिक्स करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने ये जो आम है इसको मैंने भगोने में जो तेल डाला था मस्टर्ड ऑयल उसमें डुबा करके यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब मैं जो मेरा मसाला रेडी हुआ है इस मसाले को जो है इसके ऊपर ये डालेंगे, इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद जो है इसको हल्का सा हाथ से इसे मिक्स कर देंगे ताकि ये जो मसाले हैं आम के अंदर जो है लग जाएँ। और फिर उसके बाद जो मैंने डिब्बा तैयार किया है, मैं उस डिब्बे में मैंने एक जो है 15 लीटर का जो है एक डिब्बा मैंने तैयार किया है, उस डिब्बे में जो है इसको डाल देंगे और जो है उसके बाद जब पूरा अचार हमारा जब बन जाएगा तो फिर आगे उसमें सिरका भी हम डालेंगे। तो पहले हम ये जो है देखिए किस तरह कितना बढ़िया सा ये मसाला जो है लिपट गया है और इसे हम डिब्बे में डालने वाले हैं। ऐसे ही मेरे पास जितना भी आम है उसको मैं इस तरह से मसाले मिक्स करके उस डिब्बे में डालूँगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये इसमें मसाला मिक्स कर लिया, मैं अपने इस डिब्बे में इस अचार को जो है डाल रहा हूँ और इस तरह से मैं पूरा का पूरा जितना भी मुझे अचार बनाना है मैं इस डिब्बे में डाल दूँगा। और डालने के बाद फिर मैं इसमें जो है जो सिरका मैंने दिखाया, जो आपको विनेगर दिखाया है, वो विनेगर भी इसमें डाल दूँगा और जो बचा हुआ ऑयल होगा मस्टर्ड ऑयल उसे भी डाल दूँगा। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसे डिब्बे में डाल दिया है। अब इसमें विनेगर डालना बाकी है तो मैं ये 1 लीटर विनेगर है इसमें आधा लीटर विनेगर डाल दूंगा। आधा लीटर आप इसमें विनेगर डाल दीजिएगा और ये आपका जो है अचार इतना स्वादिष्ट बन जाएगा कि आप अपनी अंगुलियां तक चाट जाएंगे। बहुत ही अच्छा अचार बनता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको ढक्कन लगा दूँगा और ढक्कन लगाने के बाद फिर मैं इस डिब्बे को उठाऊंगा, ऊपर नीचे कर दूंगा और 3-4 दिन 5 दिन तक इसके मैं धूप दिखाता रहूंगा। उसके बाद ये अचार इतना पक्का बन जाएगा कि आप इसे साल भर खाइए, 2 साल खाइए, 3 साल खाइए, ये कभी ख़राब नहीं होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमेशा बेटे से ज़्यादा पोता ज़्यादा प्यारा होता है। तो ये मैंने आम का अचार तो बना लिया, इसकी रेसिपी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ कि आम के बीच में जो रहता है उसका जो बीज रहता है जिसे कहते हैं आम की कुसली, मैं अब उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसको मैं डिब्बे को एक साइड हटा देता हूँ। अब जैसे कि आप मेरे तसले में यहाँ देख पा रहे हैं, ये है आम की जो है बीच वाला पोर्शन जिसको जनरली लोग फेंक देते हैं, ये भी बिल्कुल ऑयल में डूबी हुई है और मैं इसमें भी थोड़ा सा मसाले मिलाऊंगा और इसे अलग डिब्बे में रख दूंगा। और उसके बाद ये जो है खाने में इतना टेस्टी आएगा जितना आम भी नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा था कि बेटे से ज़्यादा जो होता है, जो पोता होता है, वो ज़्यादा प्यारा होता है। इसलिए मैं इसको जो है वही कंसिडर कर रहा हूँ। ये जो आम के बीज का पोर्शन है, आम का जो बीज का जो जिसे बीज कहते हैं, मैं इस बीज को भी देखिए इसमें मसाले में मिक्स कर रहा हूँ। अब मैं इसे अलग डिब्बे में भर दूंगा और जब ये तेल सीझ लेगा, मसाले सीझ लेगा तो खाने में इतना आनंद देता है कि आप बना करके अपनी अंगुलियाँ चाटते रह जाएंगे। उसके बाद फिर हर बार आप बनाएंगे ये आम के बीज का जो है अचार। तो इस तरह से 2 तरह का अचार दोस्तों आप एक साथ पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अचार रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपका अचार खाने का मन करे तो मेरे घर जरूर आइएगा, आपका स्वागत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।